साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी पाए गए गुरमीत राम रहीम के ऊपर इसके अलावा भी कई केस हैं। ऐसे ही एक आपराधिक मामले में गुरमीत पर एक व्यक्ति की पत्नी को गायब करने का आरोप है। इस आपराधिक मामले में गुरमीत राम रहीम को 7 सितंबर को जयपुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी पेश होना है। दरअसल जयपुर के जगतपुरा में रहने वाले एक व्यक्ति है कमलेश रैगर। कमलेश का कहना है कि वे अपनी 26 साल की वाइफ गुड्डी देवी और बच्चों के साथ 24 मार्च 2015 को गुरमीत राम रहीम के सिरसा में बने डेरा सच्चा सौदा गए थे। 24 सेकंड 28 मार्च तक तो कमलेश और उनकी पत्नी संपर्क में रहे। 29 मार्च को कोई अज्ञात सेवादार आया और कहा कि गुरुजी की सेवा में आपको बुलाया गया है। इसके बाद आदेश के मुताबिक कमलेश की बीवी गुड्डी उन सेवादार के साथ चली गई। लेकिन दावा है कि इसके बाद से न तो गुड्डी का और न उस सेवादार का कोई अता पता है। कमलेश जब उसे लेने गए तो गुरमीत के लोगों ने कहा कि गुरुजी ध्यान में हैं और गुड्डी के पास उनकी सेवा का अच्छा मौका है, तो जैसे ही गुरुजी की सेवा से हटेगी अपने आप आ जाएगी। इसके बाद भी कमलेश ने कोशिश जारी रखी, लेकिन आज तक गुड्डी का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार परेशान होकर कमलेश ने 5 मई 2015 को CJM कोर्ट जयपुर महानगर में इस पूरी घटना की शिकायत की। कोर्ट ने 7 मई को जयपुर के जवाहर नगर थाने को इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने अगले दिन FIR दर्ज की और जाँच की। जयपुर के गांधीनगर थाने की तत्कालीन ACP शीला फोगावट ने इस मामले में अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में बताया कि बाबा गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बलात्कार, मर्डर और कास्ट्रेशन जैसे गंभीर आपराधिक मामले हैं। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। कमलेश ने कोर्ट में प्रोटेस्ट पेटिशन दायर की। 7 सितंबर कमलेश और अन्य पक्षों को इसमें हाजिर रहना है।